चलिए आप लोग के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, जो काफ़ी लोगों को दिमाग मिलेगा और ये चीज़ यूज कर सकते हैं, बनाना सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का दोस्त, आप देख रहे हैं आपके सामने एक फ्राटा फैन है जो क्रॉप्टन कंपनी का है। आज हम इसका बूस्ट चेंज करेंगे और आपको हम बताएंगे जो किस तरीके से बूस्ट चेंज होता है, किस तरीके से रिपीट ठोका जाता है बूस्ट का। आज इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे, तो चलिए इसका मोटर खोल लेते हैं, मोटर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका ये मोटर है जो हमने ओपन कर लिया है, और इसका जो स्टेटर है वो भी देख लीजिए, ये जापानी रहता है और ये एकदम चिकना रहता है। और ये देख सकते हैं इसका रोटर है और इसका कैप है पीछे वाला, और ये भी है आगे वाला। तो हमने तो इसका बूस्ट चेंज कर लिया है, देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास बूस्ट है जो इसमें का चेंज कर लिए हैं, और ये आला है जो आज हम दिखाएंगे जो इसको किस तरीके से चेंज किया जाता है, किस तरफ से रिपीट हटाया जाता है। बहुत ही आसानी और सरल तरीक़ा से हम बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और आप लोग के लिए इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से एक बेयरिंग ले लेना है अपने को, नीचे रखना है, और ये देख रहे हैं रिपीट है, इसके रिपीट के जस्ट पीछे इस तरीके से लगा लेना है और इस तरीके से रखना है। तो आप लोग के पास सुम्मी है या ना है तो आप 2 रुपये का मात्र चाइनीज़ कांटी आता है जो आप देख सकते हैं 2 इंच का है, इसको पिलास की मदद से इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से रख के, और हथौड़ा या आप जो भी बोलते हो जिससे आप उसको ठोकना है इस तरीके से। चलिए हम ठोकते हैं किस तरीके से, देखिए। ये देखिए हमारा रिपीट निकल चुका है। इसी तरीके से सारे रिपीट को निकाल लेना है। चलिए हम पहले इस रिपीट को निकाल लेते हैं। एक तो रिपीट निकल गया अपना, चलिए दूसरा भी निकालते हैं किस तरीके से। फिर सेम टू सेम उसी तरीके से इसको ठोकना है इस तरीके से, ये देखिए फिर हमारा निकल गया। दूसरा भी, अगला भी इसी तरीके से रखना है। चाइनीज़ कांटी को हाथ से नहीं पकड़ के पिलास से पकड़ना है ताकि हमारे हाथ पर हथौड़ी न लग जाए। ये देखिए निकल गया, देखिए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये देख सकते हैं ऊपर का कैप है, ये स्प्रिंग हो गया, ये गद्दा है, ये बूश है। चलिए हम बूश को दूसरा नया पित्तल का बूश लगाते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना पुराना बूश है और इसको हटा के हम ये न्यू बूश लगाएंगे, देख सकते हैं ये न्यू है। और इसमें इस तरीके से रख लेंगे, इसके रखने के बाद गद्दा को रख लेंगे, इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, इसको रख देंगे इस तरीके से पलट के, और अपने पास फ्रेश मोबिल ऑयल, इसको पूरा गद्दा को गीला कर देंगे पूरा अच्छी तरीके से। पूरी अच्छी तरीके से गीला कर देंगे इसको इस तरीके से, देख सकते हैं, ताकि ये पूरा गीला हो जाए अच्छे से। ये
देखिए अपना पूरा गीला हो चुका है ऑयल से, इसको पूरे अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये लगाना है स्प्रिंग, और इसके ऊपर ये कवर रखना है, सुराख के ठीक सामने रखना है बिल्कुल इस तरीके से। और ये देख सकते हैं रिपीट है हाफ इंच में, तो इसको इतना छोटा काटना है इतना हाफ, ताकि हमारे दोनों स्टील बॉडी में आ जाए। ऊपर आएगा तो फिर टेढ़ा मेरा हो जाएगा, तो ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको हम कट कर लेंगे हाफ हाफ इस तरीके। ये पकड़ या पिलास बोलते हैं आप लोग जो भी बोलते हैं, इस तरीके से इसको कट कर लेना है। ये देखिए तो इसमें कितने छेद हैं, 2, 4, 6 सुराख है और 6 काट लेना है रिपीट अपने को। चलिए काट लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये रिपीट काट लिया है 6 के 6, और इसको हम रिपीट को किस तरह से ठोकेंगे ये भी हम बताने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले इसको एकदम छेद के ठीक सामने लगा लेना है, उसके बाद एक रिपीट इधर और एक रिपीट इधर, दोनों साइड एक एक रिपीट ठोक लेना, ताकि अपना ये कैप हिल डोल ना सके। देखिए अपने पास जो है रिपीट है, रिपीट को इस तरीके से लगा लेना है इस तरीके से, और फिर नीचे रख के इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए हमारा ठोक चुका है, 2 रिपीट इसलिए ठोक लेना है ताकि हमारा जो कैप है इधर उधर हिल डोल ना हो सके। तो चलिए अपने पास 4 रिपीट बचा है, 4 रिपीट को हम ठोक लेते हैं इसी तरीके से। आप चाहे तो आप सिंगल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 रिपीट ठोका गया तो ये बैठ चुका है, आप आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम ठोक लेते हैं इसको किस तरीके से, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको कैमरा। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हो चुका है अपना, और 6 के 6 रिपीट देखिए कितने बढ़िया से ठोके हुए हैं। ऐसा लग रहा है जो कंपनी वाले ने ठोके हुए, आम आदमी का नहीं लग रहा है ठोका हुआ। तो इसी तरीके से बूस्ट सेट कर लेना है, और इसका हम फिटिंग भी दिखाएंगे जो किस तरीके से फिट किया जाता है मोटर। देख सकते हैं फ्रेंड इसका ये सारा स्क्रू रखा हुआ है, और हम ये जा रहे हैं इसमें फिटिंग करने के लिए।
तो देखिए किस तरीके से पहले फिट किया करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पीछे वाला कवर लग चुका है, वायर भी निकाल लिए हैं। हमको ये ध्यान रखना है जो सुराख देख रहे हैं सुराख के सामने ठीक ये सुराख होना चाहिए, देख सकते हैं, ताकि तभी हमारा नट लगेगा, वरना नट नहीं लगेगा। देख सकते हैं हमारा सपोर्ट इसमें फिट हो गया है और पीछे भी देख सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाला भी कैप लगा लेते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं हमारा हो गया पूरा फिटिंग और हम स्क्रू टाइट कर लेंगे और इसको फ्री करेंगे। ये भी हल्का फ्री है और ये फ्री होगा। चलिए फ्रेंड्स जाली भी कस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने जाली लगा लिया है और इस तरीके से वाशर डाल के इस पर नट इस तरीके से कसा जाएगा। इसी तरीके से चारों नट कस लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ब्लेड है और ये जो नट दिख रहा है इसके ठीक सामने होना चाहिए ताकि इस पर बैठ जाए नट और कसा जाए। चलिए हम पंखी भी कस लेते हैं। ये देखिए ये हमारा नट और ये इस तरीके से लग जाएगा, उसको थोड़ा ठोकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये टाइट हो रहा है इसको हल्का घस लेंगे। चलिए हम जब तक पीछे का कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा ये है लूप कॉयल का, ये भी कॉयलेस है मगर ये कैपेसिटर का है। चलिए हम कैपेसिटर पहले फिट कर लेते। देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग ने बैक साइड का कनेक्शन कर लिया है, पूरा ये बॉडी अर्थ हो गया, ये कॉयल का वायर हो गया और ये कैपेसिटर का हो गया। चलिए हम इसको फिटिंग भी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है कनेक्शन और ये हम बोर्ड में लगाते हैं। ये देखिए हमारा मोटर चल रहा है।
चलिए इसका हम ब्लेड पहले कस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फंस चुका है और ये नट जो है नट हम कस देंगे ताकि ये टाइट हो जाए, ढीला है। पट्टी भी लगा लेंगे, जाली का पट्टी है, देख सकते हैं पट्टी लग चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हो चुका है और हम लगाते हैं ये बोर्ड में और पीछे से ये बंद है, चालू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स चालू हो चुका है और ये एक नंबर हवा भी दे रहा है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।